सुनाए जा रहे हैं। अब तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि कृपा करके आप बतावें कि किस प्रकार से ये श्री शुकदेव जी ने कथा सुनाई, किसको सुनाई? राजा परीक्षित, कैसे सुनाई? महाभारत का जब समय था, और महाभारत के उस समय में जब सारे कौरव मारे जा चुके थे और दुर्योधन की भी जंघा तोड़ दी है, पड़ा है दुर्योधन ऐसे ही लेटा हुआ है, पीड़ा है, ये सभी लोग पांडव लोग विजयी हुए, दुर्योधन हार गया। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा कि तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा मैं मरने ही वाला हूं, तो कुछ ऐसा कार्य तुम कर दो। हाँ बोलो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम जो कहो तुम्हारी संतोषी के लिए, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो दुर्योधन ने कहा देखो, हम शुरुआत में 100 भाई थे, विडंबना ये है कि आज एक भी नहीं बचा, हम भी मरने वाले हैं। और वो 5 भाई थे, वो 5 के 5 हैं, एक का भी सिर ला के दे दो, किसी एक पांडव का सिर काट के दे दो, मैं चैन से मर दूंगा। अश्वत्थामा इन बातों को सुनकर गया है। आज रात्रि का समय, पांडवों के शिविर में पांडवों के पुत्र सो रहे थे, रात्रि के समय में पहचान न पाया और बाण चला दिया, बाण चलाकर 5ों को मार दिया और कहा मित्र मित्र सुनो, तुम एक सिर की बात कर रहे थे, हम 5 सिर ले आए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे सिर देखे तब तो और प्रफुल्लित, लेकिन गौर से देखा पांडव नहीं पांडव पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा अरे राम, इनकी क्या गलती, इन्हें मार कर तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। हे तुमने तो दुर्योधन ऐसे ही मर गया, समाप्त हो गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा अब हम नहीं बचने वाले, तो अश्वत्थामा क्या करता है कि भागा। यहां जो द्रौपदी जी ने देखा रोने लगी रो रो कर बुरा हाल, अर्जुन ने कहा मैं पता लगाता हूं, बाण देखे तो अश्वत्थामा के बाण लगे। गए दूर, वो अश्वत्थामा दिखा, पकड़ा। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, श्री कृष्ण ने कहा अभी मार डालो इसे, मार डालो। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सन्मुख मारूंगा, उसे कुछ तो अच्छा लगे। ले गए घसीटते घसीटते, द्रौपदी से कहा बताओ इसके संग में क्या करूं। द्रौपदी जी ने जो देखा बोली अरे मुच्यता मुच्यता मेश ब्राह्मणो नितराम गुरु,
अरे छोड़ें, क्या कर रहे हैं ये ब्राह्मण देवता, इन्हें बांध रखा है आपने। अरे कहा ये हत्यारा है तुम्हारे पुत्रों का। द्रौपदी जी ने कहा पहली बात तो ये ब्राह्मण है, दूसरी बात कि आपके गुरुजी का बेटा है, तो गुरुजी का बेटा गुरुतुल्य ही है। छोड़े इसे, मुच्यताम मुच्यताम ईशो मुच्यताम, इसे छोड़ो। अरे तुम समझ नहीं रही हो, तो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं अच्छा आप बताएं क्या करें, इसे मारें कि छोड़ दें। मेरा मन कह रहा है मार दो, द्रौपदी का कह रहा है छोड़ दो, जो आप कहेंगे वही करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो शास्त्र आज्ञा देते हैं, क्या आज्ञा देते हैं, ब्रह्मबंध नहंतव्य ब्राह्मण को कभी मत मारो। अर्जुन बोले तो क्या छोड़ दें इसे, पर नहीं नहीं शास्त्र दूसरी बात भी कहते हैं, आतताई बधारहन ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतताई बधारहन, ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत, शास्त्रों ने दोनों बातें कही है। तो अर्जुन ने कहा रे टेढ़ी टांग वाले जो बात कहते से टेढ़ी कहते हैं, सीधा बताओ कि मारे कि छोड़े। अब कह रहे हो कि नहीं ब्राह्मण को मारो मत आतताई को छोड़ो मत, हम करें क्या। तो कहता तभी अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो यदि किसी की बेइज्जती कर दो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की, तो वो मृत्यु के समान ही होती है। भरी सभा में बेइज्जती हो जाए तो वो मृत्यु के समान है। मरणादतिरिच्यते, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो निंदा मरणात इतिरिच्यते, मरण के समान ही होती है। तो कहा कि इसे बेइज्जत कर दो, तो सिर की मणि छीन ली और धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब तक अश्वत्थामा ने सोचा कि बदला लूटा, बदला लेता हूं। उसने ब्रह्मास्त्र निकाला, चला दिया। कहां चलाया, उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के पेट में पांडवों के वंश का जो आखिरी पूत है वह पल रहा है, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई, श्री कृष्ण से मदद मांगी। हे प्रभु मदद कीजिए, मैं देख रही हूं कि कोई शक्ति मेरे गर्भ की ओर बढ़ रही है, कुछ मदद करें। भगवान श्री कृष्ण इतना सुनते ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अंगूठे जितने भगवान बन गए, और उस अंगूठे जितने स्वरूप में परीक्षित को गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए। अब तो कहना क्या,